हरियाणा प्रदेश विधायक कांग्रेस विधायक दल की बैठक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अध्यक्षता में हुई। इसमें सभी विधायक साथियों ने साथ इसमें भाग लिया, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इसमें शामिल हुए। और आज सबसे पहले, क्योंकि फरवरी के आखिरी सप्ताह में पिछली सीएलपी की मीटिंग हुई थी, तो शोक प्रस्ताव में हमने हमारे नेता चौधरी श्री किशन हुड्डा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके और उसके साथ साथ हमारे चीन के साथ जो वीर शहीद हमारे सैनिक हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। और दो जो हमारे पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए सोनीपत में जो शहीद हुए और अन्य को श्रद्धांजलि अर्पित करके हमने अपनी मीटिंग की शुरुआत करी। और उसमें सारे भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं थी और जिस तरीके से आज कोरोना की महामारी में जिस तरीके से लोगों के सामने दिक्कतें आई उसके बारे में भी जिक्र हुआ। और आने वाले जो समय में हरियाणा की राजनीति में जो एक महत्वपूर्ण बड़ौदा उपचुनाव है उसके बारे में भी विस्तृत तौर पे यहाँ चर्चा हुई। सब ने अपने सुझाव भी दिए और उसी के साथ साथ जिन मुद्दों पे और जिन हमें इश्यूज़ पे और जो विफलताएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हैं उनको लेके जनता के सम्मुख जाना है और अपनी सारी जो ताकत से अपने एकता से हम सब कांग्रेस जन उसमें मिलके इस बड़ौदा उपचुनाव को, क्योंकि पिछले 3 बार से लगातार वो कांग्रेस के पास वो सीट रही है, तो हम यकीन करते हैं बहुत अच्छे मार्जिन से हम इस चुनाव को जीतेंगे। और उसी में सब ने अपनी सहमति भी जताई कि जो जो वहाँ पार्टी जिम्मेदारी लगाएगी, हमारे नेता हुड्डा साहब और सब जिम्मेवारी लगाएंगे, उसमें अपना सब योगदान भी देंगे, चुनाव प्रसार के लिए भी उससे पहले भी उसमें करेंगे। और हमारी यही रहेगी कि बीजेपी के जो ये तकरीबन नए जनादेश जो मिला, जिसमें गठबंधन सरकार बन के आज वजूद में है, उसके और पिछले 5 साल की जो उसकी विफलताएं हैं जो उनकी वो हैं उनको केंद्रित करके हम इस बड़ौदा उपचुनाव में जाएंगे। और आगे आने वाले समय में हम मिलके इस बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को फिर से जीत दर्ज करवाएंगे। इसी संदर्भ में ये आज मीटिंग हुई और इसी के लिए आज सभी विधायक साथी यहाँ उन्होंने शिरकत भी करी। और हम सब यही कि आप सब लोगों के माध्यम से यही हरियाणा प्रदेश की जनता को, इसके साथ साथ हमारे एक साथी के विधायक साथी के ने एक सुझाव रखा था कि एक शेडो कैबिनेट बनाई जाएगी और हर एक विधायक को एक एक महकमा जो है उसके जिम्मे दिया जाएगा, जिससे कि वो उसकी कमियां और जो उसकी विफलताएं हैं उस महकमे की उनको उजागर करेगा और उसके लिए अपने जो है रिपोर्ट भी पेश करेगा और उसके लिए पूरी तरीके से अपनी तैयारी भी करेगा। वो जनता के सम्मुख भी और अपने विधानसभा में भी हम उसको उन कमियों को और जो महकमे की फेलियर्स हैं उनको भी हम जो है आगे चल के उन चीज़ों को अपने पार्टी के तौर पे और अपनी जिम्मेवारी के तौर पे भी हरियाणा की जनता के सामने लेके आएंगे। अब कोई सवाल जो है हुड्डा साहब से। जो मैं कल गया था गोहाना भी सोनीपत भी, और उसके जो रिस्पांस मिला है उसके आधार पर कहता हूँ केवल जीत नहीं, बड़े बहुमत से जीतेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस सरकार को 6 साल हो गए, कोई वर्ग भी इससे संतुष्ट नहीं है और कोई ऐसा काम नहीं किया जो इनको हम श्रेय दे सकें। और ख़ास तौर पे ये इलाका स्वाभिमानी इलाका है, जो वहाँ ये बात कही गई भागीदारी की बात, सरकार में साझेदारी कर लो,
या दूर रहो, ये बातें जो है लोग इस बात को समझते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक होता है, वो पूरा हरियाणा के लिए होता, कोई भी मुख्यमंत्री हो, इसके लिए नहीं कौन मेरे को वोट देता है कौन नहीं देता है, विकास सबका होता है। तो लोगों ने मन बना चुके हैं, कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। लोकसभा में बड़ौदा में जीता था मैं, असेंबली में जो उसके बाद तो असेंबली के चुनाव हो लिए भाई, लेकिन सवाल इस बात का नहीं, हार जीत का नहीं, हार जीत तो पता नहीं क्यों, ये पहले कितने थे बीजेपी के, कितने सीकर थे, जब हार जीत चलती है, लेकिन वो लोकसभा की बात करें, सवाल विधानसभा का, बड़ौदा की सीट विधानसभा के लिए, उस समय भी मैंने कहा था लोकसभा के मुद्दे और होते हैं, विधानसभा के और हैं, यहाँ लोग देख रहे हैं सरकार की, जो राज्य सरकार है उसकी परफॉर्मेंस, और इसी वास्ते मैंने ये कहा था जब उन्होंने कहा ही कि भाई अगर ये क्लेम करते हैं कि हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो 2024 तक क्यों इंतजार करें, अभी फैसला कर लें, मुख्यमंत्री जी आ जाएं, मैं भी लड़ दूंगा, हमने भी, हमारा भी क्लेम है, हमने ज़्यादा विकास, पूरा विकास किया है, बड़ौदा के लोग फैसला कर लेंगे। रेलवे कोच फैक्ट्री थी वहां से चली गई, और बड़ौदा के पूछा लोगों से मैंने, हमारे समय में पानी कितने दिन आता था, आज कितने दिन पानी मिलता है, हमारे समय में बिजली कितनी मिलती थी, आज कितने घंटे बिजली मिलती है, हमारे समय में कितनी नौकरियां लगी थी, आज कितने नौकरी से हट गए, बेरोजगारी में हरियाणा चरम सीमा सबसे ऊपर है पूरे देश में, अपराध चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार का तो सीमाएं लांघ दी हैं सारी, तो लोग इस बात को देख रहे हैं, तो भागीदारी स्वाभिमानी लोग हैं, भ्रष्टाचार में, अपराध में, बेरोजगारी में भागीदारी नहीं चाहिए उन लोगों। पूरा हौसला है हमारे लोगों में और संगठन मजबूत है। तो जब भी तो मैं कह रहा हूँ भाई अगर इतना है उनका तो क्यों नहीं चुनाव लड़ते, मैं तो तैयार हूँ, फैसला हो जाएगा, वो इतने अस्वस्थ हैं तो क्या झिझक क्या है, फैसला हो जाएगा, सारे मुद्दे हैं, इतना भ्रष्टाचार, घोटाले पे घोटाला, हर वर्ग, किसान का आज क्या कहाँ परेशानी है, अरे 2014 में हम कहाँ थे, अब कहाँ हैं, अब आगे कहाँ जाना है, तो विचार करके ही जाएंगे लोग हैं। नहीं, मेरा तो कोई विभाग नहीं है, विभाग तो इनके जो विधायकों ने खुद चयन किया है, उनकी स्पेशलाइजेशन जिसमें होगी वो देखेंगे, कमियां देखेंगे, वो तो उस है, हाँ आकलन करने के लिए उनका है, आकलन करेंगे देंगे बाकी, ताकि सही बात पहुंच सके लोगों तक। नहीं, कोई चर्चा नहीं, कैंडिडेट तो जो पार्टी देगी पार्टी जीतेगा। वायदा किया था 5,000 पेंशन का, मिलती है, कौन सा वायदा पूरा किया, एक वायदा गिना दे, 75% कह रहे वो तो पहले से है, ईएमपी 2011 में पहले से है प्रावधान, जो ये बात कह रहे,
हैं क्या? मैं फिर इम्प्लीमेंट हुआ क्यों नहीं? अब ये इम्प्लीमेंट करेंगे? इम्प्लीमेंट हुआ है, वहाँ पे प्रायोरिटी मिली है लोगों को। वो तो 2011 में किया ना हमने ईएमपी में, वो तो जो लगे हुए हैं वो तो पहले के, हमारे से पहले से लगे हुए थे। और सही रास्ता दिखाया जा रहा, ये भी आपको शक है क्या? अभी घोषणा पत्र उठा के अगली बार आ जाना मेरे पास और ये बता रहे हैं ये पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, या मैं ले आऊँगा घोषणा पत्र। तो सरकार तो कह रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल विफल है। हर वर्ग इनसे असंतुष्ट है, कोई संतुष्ट नहीं है। हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कोरोना का समय है, रोजगार देना चाहिए, रोजगार छीनना नहीं चाहिए। अपनी संविधानिक शक्ति को इस्तेमाल करके इनका रास्ता कोई ना कोई निकालना चाहिए, और आज ये रास्ता निकाल दे बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद करेंगे। नहीं निकालते कभी भी हमारी सरकार होगी, सबसे पहले हम इनका रास्ता निकालेंगे। मैं कह चुका अपराध क्राइम रेट, हाँ कानून व्यवस्था के सुधार होगा तो पुलिस की छवि हो जाएगी। कानून व्यवस्था नाम की चीज रही नहीं, ऐसा प्रतीत होता प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है। जो पुलिस जो कानून की रक्षा करने वाले हैं उन पर ही हमले हो रहे, वही मारे जा रहे हैं। तो जब भी तो मैं कह रहा हूँ अपराध जो है बहुत, क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, बेरोजगारी बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गई। इसी वास्ते कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है। कोरोना काल में इन्होंने पैसा तो टैक्स तो लगा दिए, डीजल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सस्ता है, लेकिन आज क्या है, कहाँ छू गया डीजल। और केंद्र सरकार ने किया और हरियाणा सरकार ने जो 9.24 का हमारा वेट था वो बढ़ा के 17.00 कुछ कर दिया। तो कम से कम राहत तो दें, किसी को और किसी वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई कोरोना काल के। उसमें जो उम्मीद थी लोगों को वो नाउम्मीदी में बदल चुका है। हर वर्ग, गरीब आदमी है, छोटा दुकानदार है, दिहाड़ीदार है, कोई छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे कारखानेदार हैं, सब नाउम्मीद हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।